वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का स्वागत है एस डी आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग वापस आ गए और आज का टॉपिक है कोशिका। कोशिका के ऊपर मैंने पहले भी एक पार्ट वन वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने कोशिका का इंट्रोडक्शन दिया था और आपको दो तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने दिए थे। उम्मीद है आप सारे वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। और ये वाला वीडियो कोशिका का फुल फ्लेज वीडियो है, ए टू जेड अबाउट कोशिका। ठीक है, फुल फ्लेज वीडियो, तो उतने मजेदार तरीके से हम लोग फिर से आज इस कोशिका चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। फुल फ्लेज वीडियो ऑन कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, तो फुल फ्लेज वीडियो ऑन सेल। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, अब हम लोग कोशिका चैप्टर को शुरू करते हैं और ये चैप्टर हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो बुक पब्लिश करवाई गई है, उसी बुक के बेसिस पर इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। फुल फ्लेज वीडियो ऑन सेल, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले पार्ट वन में जो मैंने आपको कोशिका के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करवाई थी, उसका एक रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को कोशिका का डेफिनेशन एक बार फिर से क्लियर हो जाए और जो क्लियर है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो कोशिका क्या था बताइए आप मुझे सभी। बिल्कुल सही, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर बोल रहे हैं। इसी तरह से घर में पढ़ते रहिए, अभी हम लोग को घर ही में ही रहना है, घर से बाहर मत निकलिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू दिस वीडियो। तो कोशिका के डेफिनेशन के बाद ही मैंने आपको बहुत चीजें बताई थी, अब वो क्या है वो चीजें फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बताया थी कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, लेकिन वो कोशिका मृत कोशिका थी। ओके, और वो कोशिका की खोज किसमें की थी, उन्होंने कॉर्क की एक पतली परत पर अध्ययन किया था, जहां उनको एक छोटे छोटे कमरे दिखाई पड़े थे और इन्हीं कमरों को उन्होंने नाम दे दिया था। क्या नाम दिया था? बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चों, कोष्ठ नाम दिया था। उन सभी जो छोटे छोटे कमरे थे उनको उन्होंने नाम दे दिया था कोष्ठ। और क्या बस इतना ही पढ़ाया था? नहीं, इसके अलावा पढ़ाया था कि रॉबर्ट हुक का जन्म कब हुआ था बताइए आप मुझे। बिल्कुल सही, रॉबर्ट हुक का जन्म हुआ था 1635 में और उनका निधन कब हुआ था 1702 में। क्या बस इतना ही पढ़ाया था? नहीं, इसके अलावा आपको बताया था कि कोशिका की खोज कब की गई थी, तो कोशिका की खोज की गई थी 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक ने की थी, आपने सही जवाब दिया था। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बस इतना ही जाना था कोशिका का डेफिनेशन और उसके कुछ बारे में, और वो रिकैपिचुलेशन से आप सभी को वो चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, मुझे ये विश्वास है। और इस फुल फ्लेज वीडियो में अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 2 में, और ऊपर में एक बॉक्स दिया गया है, इन्हें भी जानिए। तो ठीक है, जान लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, जान ही लेते हैं आज। ठीक है, तो बॉक्स में क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूं। जो बॉक्स में लिखा गया है वो मिसप्रिंट हो गया है, इसीलिए आपको वो ठीक से नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, तो सुनिए, इन्हें भी जानिए, जान लेते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है, सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो ये तो हम लोग पहले पार्ट में पढ़ लिए थे और रिकैपिचुलेशन में भी हम लोग कर लिए कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पर अध्ययन किया तो उनको छोटा छोटा कमरा के टाइप में कुछ दिखाई दिया, जिनको उन्होंने नाम रखा सेल। तो कुछ सोच समझ के नाम रखा होगा, सेल क्यों नाम रखा? तो सेल लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ यानी लैटिन भाषा में उसको सेलुला कहा जाता है और जिसका अर्थ ही होता है छोटा सा कमरा। और उस बॉक्स के नीचे, इन्हें भी जानिए के नीचे, एक और बॉक्स है, उसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास पूरा ही पूरा समय है, आप अच्छे से बस समझ जाएं, हमारा यही मोटिव है। तो बच्चों, इन्हें भी जानिए कि नीचे एक और बॉक्स बना हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। बच्चों, इस बॉक्स में ना कुछ दिया गया है, वो आपको पढ़ना है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी पढ़ना जानते हैं, तो मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ बताइए मुझे, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ? नहीं, ये तो गलत हो गया, मैंने वहां पर पेन से एक मार्क कर दिया गया, वो एंटोन नहीं है, वो एंटोनी है, बुक में मिसप्रिंट हो गया था, क्या करे, जैक का बुक है, बुक में मिसप्रिंट हो गया था, वो एंटोनी है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने, एक डच वैज्ञानिक, ये तो एक डच वैज्ञानिक था, ने
स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1664 ईस्वी में शैवाल प्रोटोजोआ में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। हम लोगों को तो पता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से एक कॉर्क पर अध्ययन किया और वहां से उनको पता चला, अरे इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं। तो उन्होंने लैटिन शब्द से एक शब्द उठा लिया सेलुला और उससे शब्द बना दिया सेल। सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। हम लोग थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ रहे थे। तो उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से 1664 ईस्वी में शैवाल प्रोटोजोआ में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। अब यहां पर बस एक चीज का अंतर है, क्या रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये वाला जो था ये भी बॉक्स हमारे लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, फिर से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने वो दोनों बॉक्स भी पढ़ लिए हैं। अब बॉक्स के नीचे आपको एक क्रियाकलाप दिख रहा है, क्या इसको छोड़ दे? नहीं, एक भी चीज नहीं छूटेगा। आप पूरी वीडियो को देखिए, एक नहीं दो तीन बार देखिए, आपको इससे बहुत ही ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढ कर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्रियाकलाप भी देख लेते हैं, क्रियाकलाप में क्या लिखा गया है मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। क्रियाकलाप में क्या करना है, आपको एक प्याज का टुकड़ा लेना है, ठीक है? आपको एक प्याज का टुकड़ा लेना है और उसके बाद एक छोटे चिमटे की मदद से उसके एक परत को वहां से निकाल देना है। फिर ब्लेड की मदद से उस परत को छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। एक बात का खास ख्याल रखिए कि जब आप ब्लेड यूज कर रहे हैं तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपके अगल बगल या आपकी देख रेख करेंगे ताकि आप ब्लेड का सही इस्तेमाल कर सके, वरना सावधानी हटी और हम भी जानते हैं दुर्घटना घटी। तो ब्लेड से जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो उन छोटे छोटे टुकड़ों पर पानी की कुछ बूंद डाल दीजिए। फिर उसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे में रखिए और एक तरफ से उसको देखिए। आप क्या देख सकते हैं? आप देखेंगे कि जिस तरीके से रॉबर्ट हुक को छोटे छोटे कमरे दिखाई पड़े थे, उसी तरह से आपको ईंटों की एक दीवार दिखाई देगी, यानी बंद बंद कमरे टाइप में दिखाई देंगे और इसी को आप कोस्ट बोलिएगा। रॉबर्ट हुक ने भी इसको कोस्ट यानी छोटे कमरे के रूप में नाम दिया था और नाम क्या था? सेल। आपको भी सेल दिखाई देगा, लेकिन अगर आप और बेटर रिजल्ट चाहते हैं ताकि और अच्छे से दिखे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें लाल रंजक डालना पड़ेगा। ये रंजक क्या है मुझे नहीं समझ में आया, यही सोच रहे ना आप? कोई बात नहीं, समझाने के लिए हम लोग बैठे हैं, आप लोग समझते जाइए। रंजक, अगर इसको साइंस की भाषा में देखा जाए तो रंजक को इंग्लिश में स्टेन बोलते हैं, लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो रंजक को कलर भी बोलते हैं। आप जब प्याज की उस झिल्ली यानी उस परत पर लाल रंजक डालेंगे, यानी लाल कलर का एक रसायन पदार्थ डालेंगे। लाल कलर के रसायन पदार्थ कौन से होते हैं? सैफरीन। सैफरीन आप डाल सकते हैं, वो लाल रंग का एक रसायन होता है। तो आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग यानी बेटर रिजल्ट मिलेगा। कैसे? आपको स्पष्ट वो दीवार दिखाई देगी, किससे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। तो अब इसका अवलोकन क्या रहा, इतना बेहतरीन तरीके से समझाया हूं कि अवलोकन का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो भी अवलोकन को देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों की दीवार जैसा दिखेगा, ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया कि क्या होगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा, प्याज की झिल्ली अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जैसे भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है। तो यही हमारा निष्कर्ष रहेगा कि हम लोग जान जाएंगे, हम लोग समझ जाएंगे कि हर चीज अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। हमारा शरीर भी अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। उत्तक अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उत्तक आपके 9th क्लास में रहेगी। तो अभी हम लोग को बस कोशिका पर फोकस करना है। अब इसके आगे एक बॉक्स और दिया गया है, फिर से उस बॉक्स को कवर कर लेते हैं। जो टॉपिक दिया गया है उसी पर चर्चा करना है। क्या टॉपिक है? यदि किसी दीवार से हम एक एक करके ईंटों को निकाल दे तो क्या होगा?
अगर हम लोग दीवार से सारी ईंटें निकाल देंगे तो दीवार का कोशिका क्या हुआ? ईंट। जिस कोशिका से मिलकर बना है अगर वही नहीं रहेगा तो दीवार भी वहां पर नहीं रहेगा। अब नीचे एक और बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स में क्या दिया गया है चलिए वो देखते हैं। अभिरंजक की उपयोगिता। सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए कोशिका को उपयुक्त रंजक से अभिरंजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों, कोशिकाओं एवं कोशिका के विभिन्न अवयवों को अभिरंजित करने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक रंजक का प्रयोग किया जाता है। सेफ्रिनिन उन्हीं में से एक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले जो क्रियाकलाप पढ़ रहे थे और उसमें लाल रंजक सेफ्रिनिन का बात जो चला, उसी से यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया कि अभिरंजक की उपयोगिता। रंजक मतलब होता है कलर, अभिरंजक मतलब होता है कलर भरना। हम लोग जो ड्राइंग में कलर भरते हैं ना, तो उसको में हम लोग कलर भरना बोलते हैं, लेकिन जब साइंस में हम लोग कलर ऐड करते हैं तो उसको अभिरंजक बोलते हैं। तो अभिरंजक की उपयोगिता यानी इससे फायदा क्या है? अब इस अभिरंजक की उपयोगिता क्या है? अब मान लीजिए कि आपके सामने मैं एकदम ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को रख दूं, तो क्या आप उसको ठीक से देख पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर वही मैं उसी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को हटाकर एक एकदम कलरफुल तस्वीर रख दूं, तो क्या आप उस तस्वीर को देखना पसंद करेंगे या उस तस्वीर को समझ पाएंगे? जी बिल्कुल समझ पाएंगे। और यही काम साइंस में भी होता है। तो अभिरंजक का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि ताकि हम लोग उस ऊतक को, उस कोशिका को और भी अच्छे तरीके से समझ सके। और सेफ्रिनिन उन्हीं में से एक है, ये बॉक्स में बताया गया। तो बच्चों अब हम लोग कह सकते हैं कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों तो बच्चों अब हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिसे कोशिका कहा जाता है। तो बच्चों इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है, इन्हें भी जानिए। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी इसको अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्या होमवर्क है अभी आपको मिल जाएगा।